अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को किसी तरह से सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये तो अभी चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है आलू वाली रोटी। तो ये कैसे बनेगी पूछते हैं मामा से। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ना इसमें ना थोड़ा सा आटा लगा के ना घी, तो मैंने पेड़े निकाल दिए। हाँ जी, ये मैंने ना निकाल लिए ऐसे करके। अब मैं ना ये आलू ऐसे करके ना ऐसे ठीक है डाल दिए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या हाँ, बंद करती हूँ मैं ऐसे परोंठे को। घी भी लगाना है इसके अंदर? हाँ जी, ये ऊपर ना मैंने घी लगा दिया, फिर ना जरा जायका अच्छा बन जाता है इसका। ठीक है, आलू इसमें मैंने ना नमक मिर्च हरी मिर्च और प्याज सूखा धनिया बस ये चीजें डाली है मैंने। ठीक है, मतलब हम लोगों ने आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स कि हम लोगों ने सिंपल हम लोगों ने आलू बॉईल किए और जो स्पाइस जो मसाला जो मम्मा ने आपको बताए हैं सिर्फ हम लोगों ने वही ऐड किया, इसके उसको मैश किया और उसको तैयार कर लिया। तो बहुत ही मज़ेदार से आलू की रोटी तैयार हो रही है ये, क्योंकि आप लोग इसको नाश्ते में बना लें, दोपहर में बना लें, जब मर्जी बना लें आप खा सकते हैं इसको। बहुत सारे लोग मतलब आलू के पराठा हो गया साग का, गोभी का या मूली का शौकीन होते हैं। हाँ जी, ये बस खुले ना, अगर खुल जाएगी ना तो फिर इसमें से ना आलू निकल जाएंगे, इस चीज़ का ख्याल रखना। देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। और मैं ना तवे पे डालती हूँ। ठीक है, तो व्यूअर्स अब हम लोगों ने जो सी हमारी आलू वाली रोटी है पराठा है उसको हम लोगों ने तवे पे डाल दिया है, वो बन अभी रहा है। वो करते हैं तो ये दूसरा भी दिखा देते हैं। ठीक है, दूसरा भी दिखा देते हैं आपको कि जो हमारा पराठा है वो कैसे तैयार होगा। सिंपल उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर जो पेड़े हैं वो लिए हैं, उसके बाद जो हम लोगों ने आपको आलू दिखाए हैं उनके हम लोगों ने मिक्सर बना लिया है, वो सिंपल सा है, बहुत मतलब ईजी बन जाता है। आप लोग इसको बॉयल करके रख सकते हैं आलुओं को और स्पाइसेस वगैरह डाल के जब मर्जी इसको बनाकर खा सकते हैं। ज़्यादा तो इन चीज़ों का ताल्लुक मतलब होता है आटे पर भी, अगर आपका आटा अच्छा है तो। हमारे तो यहाँ पर आटे की बहुत शॉर्टेज हुई हुई है, बहुत मुश्किल से आटा मिल रहा है यहाँ पर। आटा भी अच्छा नहीं मिल रहा हमारा, अच्छा भी नहीं मिल रहा। तो हम लोग तो मतलब सफ़ेद आटा जिसे कहते हैं ना एक नंबर आटा, उसका हम लोग अमूमन हम लोग पराठा वगैरह बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत मसला हुआ। ये मैंने घी लगा दिया ऊपर इसके। ठीक है, इससे ना जायका बन जाता है क्योंकि आलू सूखे सूखे से होते हैं ना उबले हुए, तो वो ये मैंने ऐसे बंद कर दिया। देख लें कि मतलब किस तरह किनारों से ये देख लें आप किस तरह बंद किया, किस तरह उन्होंने प्रेस किया है ताकि जो कॉर्नर्स है वो खुले ना। अगर वो खुल के तो सारी जो मिक्सचर है हमारा हम लोगों से जो फिल किया हुआ वो सारा किस तरह बाहर आ जाएगा। ये देखें, अब मैं ऐसे ना ऐसे बेल लूँ, इतना स्मूथली इसको मतलब बेल रहे हैं, कहीं से कोई मतलब जो है वो आलू नहीं बाहर आ रहे, मिक्सर हम लोगों ने इसका डाला वो आटा नहीं फटा। ये देख लें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बन गया है। चलिए आप भी है। ठीक है, तो व्यूअर्स चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ जहाँ पर जो हमारा पराठा है तैयार हो रहा है। ये देखें व्यूअर्स, अब मम्मा ने यहाँ पर जो पराठा है वो डाल दिया तवे के ऊपर, लेकिन अभी सही तरह से इसका कलर चेंज नहीं हुआ तो हम इसको नहीं ना पलटेंगे अभी। हाँ जी, ये अभी कच्चा है ये इधर से, तो अभी ये थोड़ा सा कच्चा है आप इसका देख सकते हैं। नहीं तो ना वो टूट जाएगा। जी हाँ, हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो क्योंकि आटा जो फ्रिज का है, फ्रिज का ठंडा आटा, तो थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। अगर हम लोगों ने इसको मतलब वैसे पलट दिया तो ये देखिए आप माशाल्लाह से कलर चेंज हो गया है। अब हम लोग इसके ऊपर घी लगाएंगे क्योंकि मज़ेदार से जो हमारा पराठा है तैयार हो रहा है। और पराठे में कुछ लोग मतलब कम घी यूज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, वो करते नहीं, देसी घी के भी बना लेते हैं। हाँ जी, चाहे तो आप लोग इसको बटर भी रख सकते हैं बाद मतलब बनाने के बाद बटर रख के आप इसको खा सकते हैं, कुछ लोग अवॉइड करते। तो ये आप लोगों की चॉइस है कि आप लोगों ने कम घी में बनाना है, ज़्यादा में बनाना है, कैसे बनाना है इसको। हम लोगों ने पहले इसको पलटा है उसके बाद घी लगाया है। पहले हम लोगों ने तवे पर घी नहीं था डाला क्योंकि फिर अगर आप वो डालेंगे रोटी डालने से वो मतलब वो आप पर घी गिर सकता है। जी तो नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि जो सा हमारा पराठा है आलू वाला वो तैयार हो गया, मम्मा ने इसको उतार लिया। तो इसी तरह दूसरा पराठा जो सा हम लोगों ने आपके सामने बेला था तैयार किया था उसको हम लोग तवे पर डाल रहे हैं, उसी तरह हम लोग इसको बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ठीक है, तो सेम उसी तरह हम लोगों ने इसको बनाना है। हाँ मतलब हम लोग इसका पहले कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब ये पक जाएगा, हाफ कुक हो जाएगा, उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे।
और फिर इसके ऊपर घी लगाएंगे। पहले आप लोगों ने तवे पर घी नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप तवे पर घी लगाएंगे तो अगर आपने जब रोटी डाली तो घी आप पर ही गिर जाएगा, फिर पाँव पर गिर सकता है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोग जब इस तरह का कोई काम करें इस हवाले से तो बहुत ही एहतियात के साथ करें आप। तो हम लोगों ने यहाँ पर पराठा डाल दिया है, उसका कलर चेंज होने का वेट कर रहे हैं, तो हम घी लगाएंगे, उसी तरह हम लोगों ने इसको बनाना है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको जो सी आज की हमारी आलू की रोटी की रेसिपी अच्छी लगेगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, हमारी वीडियोस को पूरा देखें, हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर आप हम इसको वेट करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो, फिर हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर इसका आ गया है। कहते हैं पंजाबी में टीची, टीची क्या कहते हैं लफ्ज़ इसको, मतलब ये जो डॉट्स वगैरह होते हैं पढ़ने को, चिट्टी पै गई, चिट्टी पै गई। अच्छा, तो वो देखें माशाल्लाह कितने अच्छे इसके ऊपर डॉट्स पड़ गए हैं कि कितना दिखने में ये ज़बरदस्त लग रहा है। तो घी भी डाल दिया मम्मा ने, अब इसके बाद मम्मा ने इसके दूसरी साइड को पलटा है ताकि दोनों तरफ जो है अच्छे से घी लग जाए। ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है, मतलब ये फूल भी रहा है और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है इस वक्त इसकी बनने की, क्योंकि घी भी लगा। अगर आप चाहते तो आप उसको देसी घी में बना सकते हैं, कि हम लोग तो मतलब इतना देसी घी वगैरह अवॉइड करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा कहते हैं हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। ये देखें व्यूअर्स कि इसका दूसरा कलर भी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह आ गया, कितना परफेक्ट बना, कहीं से खुला नहीं है, कहीं से टूटा नहीं है, कुछ जो हम लोगों ने इसका फिलिंग किया है, इसका मिक्सर इसके अंदर फिल किया, वो कहीं से बाहर नहीं आया। तो बहुत ही अच्छा मम्मा इसके जो कॉर्नर को वो प्रेस कर दिया था, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था ये पराठा है वो हमारा बन गया है। तो अब थोड़ा सा स्कोर बनाना है हम लोगों ने, थोड़ा सा कलर रह गया वहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो से हमारी आज की आलू की रोटी है वो कैसी मज़ेदार से तैयार हुई। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और मुंह में पानी आ रहा है खुशबू। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है, ये देखें माशाल्लाह फाइनल लुक देख लें आप लोग इसकी, ठीक है। व्यूअर्स आप लोग हमारे साथ हैं, हमारी वीडियो को पूरा देखें, तो हम लोग इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। ऑलमोस्ट तो ये डन हो चुका है, तो फिर आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। फाइनली व्यूअर्स जो सा हमारा आज का आलू वाला पराठा या आलू वाली रोटी हम इसको कह सकते हैं वो तैयार हो गई है। तो देखिए माशाल्लाह जो उसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है और दिखने में ये बहुत ही शानदार लग रही है। उसकी खुशबू का क्या ही कहना है कि कितनी अच्छी इसकी खुशबू इस वक्त हमारी किचन में हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑयल में बनाया है। तो आप लोग इसको जैसे मर्जी बना सकते हैं, इसके ऊपर बटर भी रख के आप लोग मतलब इसको इन्जॉय कर सकते हैं, जैसे आपके आपका दिल चाहिए, आपकी चॉइस है कि आप लोगों ने कैसे खाना है। तो बहुत ही हम लोगों ने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप लोगों ने किस तरह रोटी को बनाना है, इसको बेलना है ताकि जो उसका मिक्सचर है वो बाहर ना निकले और आपकी रोटी ना खुले। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये देखिए आप सब तरह से जो इसके कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से कोई रोटी नहीं खुली, कुछ नहीं टूटा। तो हम लोग आपको दिखा भी देते हैं खोल करके जो अंदर की इसकी फीलिंग है वो कैसी दिख रही है। तो ये मैं खोल देती हूँ इसको, ये देखें माशाल्लाह वाओ अमेजिंग, देखिए कैसे कितनी भाप निकल रही है और माशाल्लाह बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में। और खुशबू तो अब इस वक्त क्या कहना है इसका, पहले मतलब इतनी ज़्यादा हुई थी, जैसे मैंने इसकी रोटी को ये खोल दिया तो बहुत ज़्यादा। ये देखें जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही है वो इसका ये भाप और धुआं निकलना, कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को वॉच करें और हमारे साथ रहें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हमें देखेंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम इतने खाने और इतनी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। आप लोगों का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी, आप हमारी फैमिली की तरह हैं और हमारी रेसिपीज़ को देखते रहें, हमें सपोर्ट करते हैं। तो व्यूअर्स मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपके साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।